आज हम लोग लॉग रोलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लॉग रोलिंग क्या होता है. मतलब कहीं ना कहीं कोई पेशेंट है एक ही पोजीशन में अगर लॉन्ग टाइम से जाए, स्ट्रेट पोजीशन में अगर लॉन्ग टाइम से है, उस कंडीशन में क्या देते हैं उसे लॉन्ग रोलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम पेशेंट के जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेड सर को क्या कर सकते हैं ट्रीट कर सकते हैं, उस कंडीशन में क्या देते हैं पेशेंट को लॉन्ग रोलिंग पोजीशन या लॉन्ग रोलिंग प्रोसीजर अप्लाई करते हैं. उसका हम डेफिनेशन है क्या है कि लॉन्ग रोलिंग इज ए टेक्निक. ठीक है, एक टेक्निक है यूज टू टर्न पेशेंट. पेशेंट को क्या करने के लिए, टर्न करने के लिए. किस कंडीशन में, हु बॉडी मस्ट ऑल टाइम बी कैप्ट ए स्ट्रेट अलाइनमेंट. मतलब कोई पेशेंट अगर स्ट्रेट अलाइनमेंट में है लॉन्ग टाइम से, उस कंडीशन में पेशेंट को टर्न करने के लिए, रोटेट करने के लिए हम क्या देते हैं लॉग रोलिंग पोस्चर को अप्लाई करते हैं, जिससे कि हम पेशेंट के सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके पेट शोर होने को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो उसको हम बोलते हैं क्या, लॉग रोलिंग प्रोसीजर. नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस की, लॉग रोलिंग प्रोसीजर के क्या पर्पस हैं. तो यह है दिस टेक्निक इज यूज फॉर द पेशेंट हु हैज़ द स्पाइनल इंजरी. हम ये किस कब यूज करते हैं, अगर कोई पेशेंट स्पाइनल इंजरी है उस कंडीशन में लॉग रोलिंग का यूज़ करते हैं, जिससे हम उसको क्या करें अच्छे से ट्रीट कर सकें या उसकी कंडीशन को ईजिली रिकवर कर सकें. नेक्स्ट वन आपका लॉग रोलिंग इज यूज फॉर द पेशेंट हु मस्ट बी टर्न ऑन वन मूवमेंट विदाउट ट्विस्टिंग. हम क्या करते हैं उसमें बिना ट्विस्टिंग के उसको अच्छे से मूव कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को, उस कंडीशन में क्या देते हैं लॉग रोलिंग. मतलब इसकी हेल्प से, लॉग रोलिंग प्रोसीजर की हेल्प से हम पेशेंट को बिना ट्विस्ट किए या बिना मोड़े हुए हम उसे क्या कर सकते हैं प्रॉपरली रोल कर सकते हैं और उसके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने क्या है, टू प्रोवाइड कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट. हम क्या कर सकते हैं पेशेंट को कम्फर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. कहीं ना कहीं अगर पेशेंट एक ही पोजिशन में कंटिन्यू या लॉन्ग टाइम से लेटा हुआ है, उस कंडीशन में क्या होगा उसको एक डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो हम कहीं ना कहीं उसकी रोलिंग प्रोवाइड कर गया, उसको रोल करके हम क्या कर सकते हैं पेशेंट को कम्फर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन क्या है, टू इम्प्रूव सर्कुलेशन. तो इस प्रोसीजर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं जो सर्कुलेशन है उसको क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपरली लॉन्ग रोलिंग करेंगे तो उससे क्या होगा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट्स होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होगा, जिससे कि जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा इम्प्रूव हो पाएगा. नेक्स्ट आपका टू प्रिवेंट बेड सोर. हम क्या कर सकते हैं इसे बेड सोर को प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर कहीं ना कहीं पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है, स्ट्रेट पोजीशन में लेटा हुआ है, उस कंडीशन में क्या होगा उसके प्रेशर की वजह से क्या होगा उसकी स्किन में बेड शोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. उस कंडीशन में हम क्या करें उसे ये प्रोसीजर प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं बेड सोर को ट्रीट कर पाएंगे या उसको कम कर सकते हैं. तो ये कुछ पर्पज़ हैं इस प्रोसीजर को अप्लाई करने के. नेक्स्ट हम देखते हैं पर प्रोसीजर कि हम इस प्रोसीजर को कैसे अप्लाई करेंगे एक पेशेंट के ऊपर. तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है. सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि प्रोसीजर अप्लाई करने से पहले हैंड वॉश करना है. देन हमें क्या करेंगे कि प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को फुली एक्सप्लेन करना है, जिससे कि पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे और कंफर्टेबली हम उसको ये प्रोसीजर अप्लाई कर सके. देन हमें क्या करना है उसके दोनों हैंड्स को क्रॉस में कहा हुआ चेस्ट के बाद क्या करना है क्रॉस में रखना है, जिससे कि इजीली हम पेशेंट को अच्छे से रोल करवाएं और पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट फील ना हो. देन हमें क्या करना है पेशेंट को ट्विस्ट नहीं करना है, कहीं ना कहीं से उसे मोड़ना नहीं है, जिससे बैंड नहीं करना, जिससे कि कोई ना कोई डिस्फॉर्मिटी या डिस्कम्फर्ट पेशेंट को फील हो. देन हमें क्या करना है इसको रोटेट करने के लिए कितने यूज पेशेंट कितने लोग होना चाहिए, मिनिमम 3% प्रेजेंट होना चाहिए पेशेंट को रोल करने, जिससे कि हम एक साथ उसको अच्छे से रोल कर सके. देन उसको मैं रोल करना स्टार्ट करने से पहले हमें काउंटे करना है 1, 2, 3. 3 काउंट कंप्लीट होने पर हमें एक साथ उसे क्या करना है रोल करना है, जिससे कि पेशेंट की पूरी बॉडी पर एक साथ ही प्रेशर के साथ रोटेट किया जाए. अगर कहीं ना कहीं अगर काउंटिंग के साथ रोटेट नहीं करते तो कहीं ना कहीं पेशेंट का क्या होगा कि हम एक साथ पूरी बॉडी को रोटेट नहीं कर पाए, क्योंकि 3 लोग यूज़ कर रहे हैं उस प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए, तो तीनों का टाइमिंग डिफरेंट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई और प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांस है. तो क्या करना है 3 काउंटिंग करने के बाद ही हमें क्या करना है उसको रोटेट करना है, उसके नीज से या एल्बो से कहीं से भी उसे मोड़ना नहीं या उसको बैंड नहीं करना है, क्योंकि हमें ईजिली हमें नॉर्मली क्या करना है उसको रोटेट करना है, जिसकी हम क्या कर सकते हैं उसके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना. इसी तरह से हमें उसे साइड टू साइड क्या करना बेड साइड की तरफ क्या करना रेगुलरली उसे रोटेट करते रहना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट साइड. इस तरह से हमें क्या करना है रोटेट करना है 3 to 4 टाइम्स के लिए, जिससे कि हम उसके बॉडी के अंदर क्या करें प्रॉपरली सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकें और पेशेंट को एक कम्फर्ट प्रोवाइड कर सकें. देन हमें क्या करेंगे उसको अच्छे से रोटेट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे एक प्रॉपर नॉर्मल पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे. देन पेशेंट को इसके बारे में बताएंगे, इसके एडवाइस करेंगे हमें रेगुलर, अगर उसके फैमिली मेंबर अगर वो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो रहा है उस कंडीशन में उसको रेगुलर इस तरह से रोटेट करते रहना है, जिससे कि हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं जो सर्कुलेशन है और ब्लड स्टोर होने से क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं और सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. इस तरह से हम क्या करें ये प्रोसीजर को अच्छे से फुली अप्लाई करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं पेशेंट के ब्लड शुगर होने से प्रिवेंट कर सकते हैं. तो आज हम लोगों ने लॉन्ग रोलिंग के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट अगर स्ट्रेट पोजीशन में लेटा हुआ या बहुत लॉन्ग टाइम से स्ट्रेट पोजीशन में लेटा हुआ, उस कंडीशन में उसको क्या करने के लिए मूव करने के लिए ये प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं उसके
जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, देन उसके जो बेड शोर हैं उनको इम्प्रूव ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या है लॉग रोलिंग के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देन इस टॉपिक के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।